हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे, हमारा गेट 2016 का क्वेश्चन है, वन मार्क्स का, जो कि हमारी जैकोबियन मैट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास इन 100 बस पावर सिस्टम, यानी एक 100 बस का पावर सिस्टम है टोटल, जिसमें 10 बसेज आर जनरेटर बसेज। देखो, आप लोगों को यहाँ पर पहले बसेज का डिविजन करना पड़ेगा। हमारे पास तीन तरह की बसेज होती है, पहली स्लैक, दूसरी कौन सी पीवी बस, और तीसरी कौन सी बस आपकी पीक्यू बस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें, 100 बसेस में से 10 बसेस कौन सी है, जनरेटर बस। आपको पता होना चाहिए जनरेटर बस को हम पीवी बस कहते हैं, बट इस 10 में से 10 जनरेटर बसेस में से एक बस आपकी स्लैक बस होगी, तो उसको स्लैक बस निकाल दीजिए, तो पीवी कितनी बची आपके पास, 9। तो बताइए 10 में जनरेटर बसेस में से एक तो स्लैक बस हो गई, तो बाकी 9 कौन सी हो गई आपकी, पीवी बस। आगे चलते हैं। इन अ पर्टिकुलर ऑफ न्यूटन रैफसन लोड फ्लो टेक्निक, टू ऑफ द पीवी बसेस आर कन्वर्टेड टू पीक्यू टाइप। पहले तो बताओ, अब आपको 10 जनरेटर बसेस के अलावा और कुछ नहीं दिया कि बाकी बसेस कौन सी है। 10 के अलावा अभी 100 में से 90 और बची हुई है। जब आपको रिमेनिंग बसेस के बारे में कुछ ना बोले, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि रिमेनिंग बसेस हमेशा लोड बसेस होती हैं। तो बताओ 10 बसेस तो का सेटलमेंट तो हो गया, अब 100 में से 10 गई तो बची कितनी है, 90 बसेस, यानी कौन सी बसेस बची हुई हैं, लोड बसेस। लोड बस को और कोई नहीं, कौन सी बस कहते हैं हम लोग, पीक्यू बस। तो बताओ हमारे पास लोड बस कितनी बची हुई है, 90, वो हम लोगों ने पीक्यू बस में डाल दी, आपका 90 पीक्यू आ गया। देखो ये था केस नंबर 1। अब आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, आप लोगों से कहा कि अगर दो पीवी बसेस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, पीक्यू बसेस में से। यानी केस नंबर 2 ये बनाया जा रहा है कि सपोज आप लोगों की दो पीवी बस को यहां से हटाकर कौन सी कैटेगरी में डाल दें, पीक्यू। बताओ दो पीवी बस अगर मैं यहां से हटा दूं, तो कितनी बच गई आपके पास, 7, और आपके पास यहां पर दो नई आ गई है। तो बताओ ये 90 की जगह कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस में आपके अननोन वोल्टेज एंगल और अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ा है। तो आप लोग यहां पर क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। बताओ पीवी बस में कौन कौन नोन होता है, पी और वी। यानी बताओ पीवी बस में अननोन कौन होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, अननोन वी, अननोन पहले वोल्टेज एंगल, चलो डेल देख ले, अननोन डेल किस किस में होता है, बताओ डेल कौन कौन सी बस पे अननोन होता है। तो पहले बताओ स्लैक बस पर डेल नोन होता है, होता है, तो स्लैक बस को नहीं लेना इसमें। तो बताओ कौन सी बस आई, पीवी बस में डेल क्या हुआ, अननोन, पीक्यू बस में डेल क्या हुआ, अननोन। यानी बताओ अननोन डेल में कौन कौन सी बस आती है, पीवी प्लस पीक्यू। बताओ पहले पीवी प्लस पीक्यू कितनी थी, पहले कितनी थी, 9 प्लस 90, दैट इज 99। अभी पीवी प्लस पीक्यू कितनी है, 7 प्लस 92, यानी अभी भी कितनी है, 99। सोचो पीवी प्लस पीक्यू पहले भी 99 थी और अभी भी कितनी है, 99 ही है। पीवी प्लस पीक्यू का एडिशन सेम है, यानी बताओ डेल कभी भी चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं अननोन वोल्टेज एंगल रिमेंस अनचेंज्ड। देखो डेल चेंज नहीं हुआ, अननोन डेल चेंज नहीं हुए, क्योंकि नंबर ऑफ पीवी प्लस नंबर ऑफ पीक्यू बसेस क्या है, सेम है, पहले भी 99 थी और अभी भी 99 है। आगे बात करते हैं, बताओ अननोन डेल के बाद हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे, अननोन वी के बारे में बात करेंगे। वी का मतलब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड। बताइए वोल्टेज मैग्नीट्यूड कौन सी बस पर अननोन होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी स्लैक बस पे वी क्या होता है, स्लैक बस पे वी नॉन होता है। यहाँ आ जाए, बताओ पीवी बस में भी वी क्या होता है, नॉन होता है। यानी पीक्यू बस एक इकलौती ऐसी बस है जिसमें वी क्या होता है, अननोन। तो बताओ अननोन वी कौन डिसाइड करती है, नंबर ऑफ पीक्यू बसेस, नंबर ऑफ पीक्यू बसेस। पीक्यू बसेस की बात करें तो देखो पहले पीक्यू बसेस कितनी हुआ करती थी, 90, अब कितनी हो गई है, 92। तो बताओ पीक्यू बसेस पहले हुआ करती थी 90 और अब कितनी हो गई है, 92। बताओ आपके इसका मतलब अननोन वी सेम नहीं है, डेल तो सेम थे बट वी सेम नहीं है। वी कितने से इंक्रीज हो गए हैं, 2 से इंक्रीज हो गया है। देखो इंक्रीजेस बाय 2, यानी कि हम लोगों का ये बी ऑप्शन सही है। देखो अननोन नंबर ऑफ डेल किस पर डिपेंड करते हैं, पीवी प्लस पीक्यू बसेस पर, क्योंकि डेल कौन कौन सी बस पर अननोन होता है, पीवी और पीक्यू पर, और वी मैग्निट्यूड किस किस बस पर अननोन होता है, सिर्फ पीक्यू बस पर। तो आप देख सकते हैं पीवी प्लस पीक्यू का एडिशन पहले भी 99 था, अभी भी 99 है, वो तो सेम है, यानी डेल रिमेंस कांस्टेंट। और अगर वी की बात करें तो वी कितने से बढ़ गया है, 2 से बढ़ गया है, इंक्रीजेस बाय 2। तो आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।